हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से राजस्थान पुलिस के पार्ट बी की भी टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग हमेशा 12 से 1 के बीच में रहेगी। जैसे पार्ट बी में आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर डेली हम कवर करेंगे, डेली टेस्ट सीरीज जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और पार्ट सी हमारा जो होता है राजस्थान जीके का जो है वो 9:30 पर डेली हमारा लाइव टेस्ट होता है। 7 हो गए हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 9:30 लाइव टेस्ट होता है। तो कहते ये पार्ट बी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। आज हम साइंस से शुरू कर रहे हैं, ये टेस्ट नंबर 1 है। मैं हूं प्रहलाद सारण, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टाइम याद रखिए 7 से 8 हम करंट फेयर करते हैं, 12 से 1 के बीच में साइंस एंड पार्ट बी के लिए, और 9:30 राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट करते हैं। मैथ रीजनिंग शुरू करेंगे, वो 4 से 5 के बीच में क्लास रहेगी, उसकी टाइमिंग भी मैं बता दूंगा। ओके गाइस, ये पहला टेस्ट है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। और जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं कॉमेंट करके जरूर बता देना कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। इसके अलावा अनकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते हो, वहाँ पे 2000 साइंस के ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज है तो वो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए ये आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर में कॉपर की कमी हो जाने से कौन सा रोग हो जाता है। अगर शरीर में कॉपर की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बता दीजिए, साथ साथ में आंसर देते रहिए और लास्ट में काउंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो एनीमिया रोग हो जाता है कॉपर की कमी से, राइट आंसर आपका सी इसका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, खून का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, ये होता है किडनी में, तो राइट आंसर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते क्या है। ये तो देख लिया कि किडनी में शुद्धिकरण होता है, इस शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस, राइट आंसर 1 नंबर। अगला है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन से भाग में रक्त की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है, तो ये होती है धमनियों में, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, लेड स्टीनर के द्वारा खोज की गई थी, 1 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कि पेसमेकर का काम क्या होता है, पेसमेकर का काम क्या होता है, ये दिल की धड़कन प्रारंभ करता है, राइट आंसर सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका है कि वह कौन सा तत्व है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, क्या तरह बता दीजिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में मनुष्य के शरीर में कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, राइट, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दांतों में पाए जाने वाला पदार्थ जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे मजबूत भाग होता है, दांतों में पाए जाने वाला जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शरीर के कुल वजन का लगभग कितने प्रतिशत भाग है पानी का बना हुआ होता है, तो ऑप्शन के आधार पर 65 से 70% है वो पानी का भार होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी से होता है, डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी से होता है, तो जल की कमी होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कि शरीर का वह अंग जो शराब के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होता है, शराब के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित हो जाता है, राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की हृदय पेशियां होती है, अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हृदय पेशियां जो होती है वो अनैच्छिक होती है, राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 आपका है कि मस्तिष्क में कौन सा भाग बुद्धि और तर्क शक्ति से संबंधित काम करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और तर्क शक्ति से संबंधित काम करता है, तो परमस्तिष्क है ये काम करता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो शरीर के वजन का लगभग जो है वो 7% होती है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कि केंद्रक और कोशिका की खोजकर्ता कौन कौन है, केंद्र का भी बताना है और कोशिका का बताना है, दोनों को अलग अलग बताना है, ठीक है, कि केंद्र का
और कोशिका, तो केंद्र राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र का है वो है रॉबर्ट ब्राउन, और कोशिका रॉबर्ट हुक, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी 12 में उपस्थित धातु कौन सा होता है, विटामिन बी 12 में उपस्थित धातु कौन सा होता है, तो सी ओ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु है, कौन सी संख्या स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु है, तो पेनिसिलिन जी है राइट आंसर आपका एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक अनायिक अपमार्जक बनाता है जब स्टेरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, किसके साथ, पॉलीएथीन ग्लाइकोज से जब करता है तब होता है, राइट आंसर आपका सी बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 कि एक खिलाड़ी धरातल से किस कोण पर एक गेंद फेंके जैसे गेंद अधिकतम दूरी तक जा सकती है, किस कोण पर गेंद फेंके जो सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएगी, अगर उसको 45 डिग्री पर फेंका जाए तब राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान, ध्रुवत्व मान जो है वो कितना हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा क्या हो जाएगा, तो हमेशा बढ़ेगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ओके तो ये पहला टेस्ट था 20 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे रोजाना हम टेस्ट करेंगे 12 से 1, कुछ दिन ऑफलाइन करेंगे फिर लाइव टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। राजस्थान जीके का डेली लाइव टेस्ट होता है 9:30 पर, चाहे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए डेली आप पहुंच जाया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। PDF लेनी है वो आप टेलीग्राम से और फेसबुक पेज से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लीजिए प्रहला सारण सर के नाम से, और अनकेडमी लर्निंग ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पर आपको साइंस के 2000 ऑनलाइन क्वेश्चन और राजस्थान जीके के 5000 ऑनलाइन क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, टोटल 18000 ऑनलाइन क्वेश्चन है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप के 2 या 3 दिन में हम आपको नंबर दे दूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप का, ताकि डायरेक्ट आप PDF ले सको। ओके गाइस, तो थैंक यू।